हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड ट्रिक्स, मेड बाय यू, मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज के जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है सर? बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन में अपने को सारी की सारी जो भी सबस्ट्रिंग्स है ना, उनकी जो भी ब्यूटी आ रही है उसको सबको एड ऑन करके प्रिंट करवाना था, ठीक है। अब ब्यूटी तो निकाल लेंगे, वो तो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं अगर अपने को सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स निकल जाएँ तो, ठीक है। अब सबस्ट्रिंग क्या हुआ, इसी में नाम में ही एक हिंट हो गया। नाम में क्या हिंट हो गया कि सब स्ट्रिंग बोला उसने। अब अगर उसने सब सिक्वेंस बोला होता तो ये ए आ सकता था, उसके बाद में सीधा सी भी आ सकता था, लेकिन सब स्ट्रिंग में क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूस ही आ सकते हैं सारे के सारे। मतलब अगर अपने को एक सब स्ट्रिंग में ए और सी दोनों के दोनों चाहिए तो ये बीच वाले जितने भी एज हैं उनको भी इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। हाँ, तो अपन क्या समझे कि कॉन्टिन्यूस ही सब स्ट्रिंग हो सकती है। कभी भी अपन ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा ये ए ले लिया और सीधा ये सी ले लिया, या फिर ये सीधा ये वाला ए ले लिया एंड इवन तो ये वाला ए भी नहीं ले सकते अपन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ही लेना पड़ेगा, ट्रिप तीनों के तीनों ए एक साथ ही लेने पड़ेंगे, लेने हैं तो। नहीं तो अगर अपन इस ए को एलिमिनेट कर दें तो ये दोनों ए और फिर सी साथ में लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो, नहीं तो ये दोनों ए भी ले सकते हो एंड वाइस वर्सा। बस अब क्या करो कि जो भी सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स है ना, उन सबकी ब्यूटी निकालो और जिसकी भी ब्यूटी ग्रेटर देन 1 आ रही है उन सारी ब्यूटीज को एड ऑन करके लास्ट में प्रिंट करवा दो, ठीक है। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम नहीं समझ में आई ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहले बड़े आराम से पहले अपन समझने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, ठीक है। उसके बाद में उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये अपना कुछ तो इनपुट था और ये अपना आउटपुट आया था। देखते हैं अपन ये कैसे आया है और क्या है। देखो ये अपनी स्ट्रिंग थी, ठीक है। अब इसमें बोला गया था कि इस स्ट्रिंग में से कितने भी आप सबस्ट्रिंग्स बना सकते हो, ठीक है। बट द थिंग इज कि उसमें जो भी कोई कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये वाला जो ये वाली स्ट्रिंग अगर अपन लें तो इसमें ए जो है ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार। सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक, ठीक है, सी एक बार आ रहा है। बस ये काउंट करना था कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब इसमें से क्या करना है कि जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकता है, यहाँ पे और भी लेटर्स होते हैं सी डी, ठीक है, तो जिसकी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई अभी अपने पास, ए की, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। और इसमें से बताओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 है। इनकी भी 1 बनी होगी, हाँ, इसकी भी बनी होगी फ्रीक्वेंसी, एक ही बार आ रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुई 1, तो इसमें से जब अपन ने इसको माइनस किया तो क्या आया, बोला 2, ठीक है। तो बस यही, इसी 2 को लो और एड ऑन करवा दो, ठीक है। अब इसकी और भी सबस्ट्रिंग्स बना लो, जितने भी सबस्ट्रिंग्स बन दिया ना उन सब में भी ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करो कि उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालो किसी भी लेटर की और मिनिमम निकालो जो भी आपकी सबस्ट्रिंग्स हैं उनमें से, और फिर बाद में उन दोनों को माइनस करवाओ और जो भी आंसर है उसको ब्यूटी में ऐड करवा दो, ठीक है, सिंपल। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ब्यूटी हुई। देखो इसको हटाओ, बी डी को हटाओ। तो सबसे पहले तो एक तो अपन ने एग्जाम्पल में क्या लिया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ले लिया, हाँ, ठीक है, इसमें तो आ गया अपना 2। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला इस ए को हटा देते हैं, इस ए के साथ में पूरी को ले लिया एक बार, इस ए को हटा देते हैं, अब इसको लेके देखते हैं। बोला ठीक है, लेके देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ए ए के कितने हुए, बोला 2, तो फ्रीक्वेंसी हुई, और सी की कितनी फ्रीक्वेंसी, बोला 1, तो कितना आया अपना 1, ठीक है। तो इस 2 को एड ऑन करवाया 1 के साथ में, कितना आया आंसर, 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये अपन ने पहले 1 इस एक को हटा दिया था, अब इस एक को हटा दिया, अब एक काम करते हैं इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बोला 1, और सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बोला उसकी भी 1, तो 1 - 1 कितना होता है, 0। समझ में आ गए, हाँ समझ में आ गया। तो इसको एड ऑन करवाओ चाहे मत करवाओ कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सिम कितना आया ब्यूटी का, 0, ठीक है, ठीक है। अच्छा यही सबस्ट्रिंग हो सकती है कि भैया और कोई सबस्ट्रिंग नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ये भी हो सकती थी कि अपन ने क्या किया, सिर्फ इस ए को ले लो, हाँ ये भी अपने आप में एक सबस्ट्रिंग है, बस बट इसका भी क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम सेम आएगा, हाँ। एक काम करो इस ए और ए को ले लो, हाँ, तो अब इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, 2, और मिनिमम कितना आएगा, बोला वो भी 2 आएगा क्योंकि ए की तो थी, हाँ, तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना आया, 0, ठीक है। अब इस ट्रिपल ए को ले लो तो भी वही होगा, मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस 0 आएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे समझ में आ गया वो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया ना, तो अब सोचते हैं कि इसके ऊपर अप्रोच क्या बिल्ड होगी, ठीक है। अच्छा अब अप्रोच तो ठीक है, अप्रोच अपने को सोचने बहुत बढ़िया है, अगर एकदम से दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है तो बाकी सब छोड़ो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या बोलते हैं अपने कि फ्रीक्वेंसी अपन काउंट करते हैं, मेनली किससे काउंट करते हैं, मैप की मदद से काउंट करते हैं मेनली, ठीक है। हाँ, तो एक मैप तो बना दिया, बस इसका कोई रीजन नहीं था, इतना सा रीजन था, हो सकता है मैप लगे भी ना,
हो सकता है अपन आगे मैप यूज ना भी कर रहे हो, ठीक है, बट एक बार छोटा सा एक बार बना लिया कि हो सकता है एक बार मैप से सोचते हैं कुछ, क्या पता मैप से ही कुछ बन जाए। ठीक है, अब मेजरली ये बताओ कि ये क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये बोल रहा था ना सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स निकालनी है, अगर इसकी अपने को ब्यूटी निकालनी थी तो वो तो एक सेकंड में निकल जाएगी मैप की मदद से, लेकिन सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स निकालनी है। ठीक है, हाँ ये बात सच है। तो सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स निकालने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं सबस्ट्रिंग्स सब निकालने के लिए? देखो सिंपल है, क्या करते हैं अपन, सबसे पहले ये जो ए है ना स्टार्टिंग वाला, हाँ इसको साथ में रख के क्या क्या सबस्ट्रिंग हो सकते हैं ये सोचो। इसको साथ में रख के देखो, एक तो ये ए अकेला हो सकता है, हाँ फिर क्या हो सकता है, ए और इसके बगल वाला ए हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि ये वाला ए और ये वाला ए, तीनों ए हो सकते हैं, हाँ ठीक है। और फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ट्रिपल ए और सी, ये पूरा हो सकता है, सही है। हाँ अब यही पॉसिबिलिटी क्यों पॉसिबल है ये बताओ, क्योंकि ए के साथ क्या कोई भी सबस्ट्रिंग कैसे हो सकती है कि वो कॉन्टिन्यूस में है, तो कॉन्टिन्यूस में ए के साथ में सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? बोला नहीं, बोला नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ठीक है सिंपल है ना, अगर अपन ने ए से ये सारी पॉसिबिलिटी निकाल दी तो इस वाले ए से भी ये सारी पॉसिबिलिटी निकाल लो, तो इस वाले ए से क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? एक तो ये सिंगल ए आ सकता है, हाँ एक क्या सकता है, ये वाला ए और ये वाला ए आ जाए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक क्या हो सकता है कि ये वाला ए और सी आ जाए, ठीक है। अच्छा क्यों भैया, ये बताओ कि कॉन्टिन्यूस ही तो लेनी है ना, तो इसको भी तो ले सकते हो ना आप, ये पूरी की पूरी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन इसको तो ऑलरेडी ले ली है। हाँ, समझ में आ गया, ठीक है, तो उसकी जरूरत थी नहीं। अब यहाँ से अपन ने क्या किया, आगे वाले सारे कॉन्टिन्यूस देख लिए, तो आगे वाले सारे कॉन्टिन्यूस देखे, अपने पास तीन ऑप्शन आ गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये सिंगल ए आ जाए, ठीक है, या फिर ए और सी आ जाए, सही है। और इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिर्फ सी आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या है, अपने को एक पैटर्न दिख रहा है सीधा सीधा, क्या पैटर्न दिख रहा है? कुछ भी नहीं, अपन सिर्फ लॉजिकली इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को तीन या चार टुकड़ों में। तो अपन ने पहला टुकड़ा तो क्या बनाया इसका कि सारी के सारे सबस्ट्रिंग्स निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो सारी के सारे सबस्ट्रिंग्स निकालने जब अपन गए तो अपने को पता चला कि जो ये ए है, अगर यहाँ से अपन आगे की सारी जो भी स्ट्रिंग आते जा रही है एक एक वैल्यू पे, ठीक है, उनको अलग अलग टुकड़े करते जाए तो ये अपने आप में सबस्ट्रिंग्स है। तो टोटल इस स्ट्रिंग की टोटल ये सब स्ट्रिंग्स बन गई, टोटल ये बन गई। इसमें से कितनी वैलिड है कितनी इनवैलिड है वो देखेंगे। वैलिड इनवैलिड कैसे? वैलिड इनवैलिड ऐसे कि ब्यूटी ऑफ सब स्ट्रिंग्स जो क्वेश्चन था अपना, ठीक है, तो ब्यूटी ऑफ सब स्ट्रिंग्स में क्या था कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन आना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू वन भी चलेगा, बट ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो वो चीज़ कौन कौन फॉलो कर रहा है ये अपने को देखना पड़ेगा, बट ये सारी की सारी अपने क्या निकाल दी, सब स्ट्रिंग्स निकाल दी, इतना क्लियर है? हाँ इतना क्लियर है। अब सबस्ट्रिंग्स निकालने का अपन ने देख तो लिया कि ये ऐसे निकल रही है, अब इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, एक बार ये मैप हटा देते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। इसको फॉर्मुलेट करने का तरीका क्या हो सकता है? कुछ नहीं, सिंपल है, यहाँ से फोर का लूप चलाओ, हाँ क्योंकि देखो सिंपल है ना, एक बार अपन इसको पूरे के ऊपर रिट्रेट कर रहे हैं तो फोर का लूप कन्फर्म हो गया एक तो, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि अपन ने बोला सबसे पहले अपनी ये वाली वैल्यू ले रही थी, तो बोला यहाँ से आ गई अपनी आई इक्वल्स टू जीरो, ये वाली वैल्यू आ गई, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या करा, बोला एक और फोर का लूप चला देते हैं, हाँ और इसमें क्या करते हैं कि आई इक्वल्स टू जीरो से, यानी कि यहाँ से आगे तक की सारी के सारी स्ट्रिंग्स को एक बार ले लेते हैं। तो बोला ठीक है, जे इक्वल्स टू आई से लो, क्योंकि यहीं से उठाना है ना, जैसे जब ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो बस जहाँ से भी आई आ रहा है वहां से कहाँ तक चल जाओ, एन तक, लास्ट तक चल जाओ और एक एक वैल्यू को एड ऑन करते जाओ, ठीक है, तो सारी सारी सबस्ट्रिंग्स आते जाएंगी, हाँ। तो बोला आपने दो फोर के लूप चले, लेकिन यहाँ पे अपना क्या हो गया कि अपन ने सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स निकाल दी, ठीक है। अब दो फोर के लूप हो गए तो पहले अपन देख लेते हैं कि क्या इतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने को अलाउड भी है या नहीं है। तो बोला हाँ ऐसे स्क्वायर अलाउड थी, तो चलो ठीक है, ठीक है। बस अब अपने को क्या ध्यान में रखना है कि ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब आगे नहीं बढ़ानी है, क्योंकि ऐसे स्क्वायर ही था वो अपन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्या हुआ, सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स अपने को मिलती जा रही है, ठीक है। अब इनसे क्या करना है अपने को, वो ब्यूटी वाली चेक करनी है कि कौन कौन सा ब्यूटी वाला फॉर्मूला हमें फिट हो रहा है, कौन कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या था फॉर्मूला, सिंपल सिंपल था ना कि इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो अब सबसे पहले यह स्ट्रिंग आई ए, सही है, हाँ यहाँ से कैलकुलेट होके आ रही थी, बहुत ही बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, इसी फोर लूप के अंदर सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स कैलकुलेट हो रही है, अगर अपन ध्यान से समझे तो, हाँ, इसी फोर लूप के, इस फोर लूप से जब बाहर निकल रहे हैं तब अपनी एक सबस्ट्रिंग ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ रही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अब क्या करो, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है।
अब बताओ इसमें मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, बोला 1। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, बोला 2। दोनों सेम है। इसमें मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, बोला 3। दोनों सेम है। इसमें मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, बोला 3 मैक्सिमम है और मिनिमम 1 है, क्योंकि मिनिमम किसकी हो गई, सी की एक ही फ्रीक्वेंसी थी। हाँ, और मैक्सिमम किसकी ले लिया अपन ने, एक ही, क्योंकि एक ही कितनी थी, 3। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकल गया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकल गई। ठीक है, अब बस क्या करना है, जब अपने पास ये वाली स्ट्रिंग आ गई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या मेथड है, वही मैप, बोला हाँ मैप में ए डाल दिया, ए की देखिए अपने कितनी है फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, तो अपन जब भी मैप, अब क्या करेंगे, इस पूरे की पूरी मैप को इटरेट करवा लो नॉर्मली, कि हाँ इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, बोला 1, और मिनिमम कितनी है, बोला 1। ये तो कोई टिपिकल है ही नहीं निकालना। हाँ, फिर बाद में इसके, ये पूरा एक मैप में स्टोर करवा दिया वाली पूरी सबस्ट्रिंग, इसमें निकाल लो मैक्सिमम कितनी है मिनिमम कितनी है, इसमें निकाल लो मैक्सिमम कितनी है मिनिमम कितनी है, इसमें निकाल लो मैक्सिमम कितनी है मिनिमम कितनी है, सिंपल है। हाँ, जब अपन ने निकाल लिया मैक्सिमम कितनी है मिनिमम कितनी है, हर सबस्ट्रिंग के टाइम पे अपन निकालते जा रहे हैं, तो बस उसी टाइम पे एक चीज और चेक कर लो, क्या करोगे, सिंपल सिंपल है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कितना है, यही तो चाहिए था ना। अगर डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो सीधा सीधा सम में एड ऑन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, माइनस में आ सकता है क्या, -1 आ सकता है क्या डिफरेंस, डिफरेंस क्यों नहीं आ सकता, भैया -1 आ ही सकता है, आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, आ सकता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हो सकता है अगर अपन वर्स्ट केस सिनेरियो देखो, कि एक ही स्ट्रिंग हो, तो एक ही स्ट्रिंग होगी तो मैक्सिमम और मिनिमम सेम ही होगा, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम कम हो और मिनिमम ज़्यादा हो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर माइनस कैसे पॉसिबल है। हाँ, तो माइनस भी पॉसिबल नहीं है, तो एट मैक्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अपन एक काम करें कि सीधा सीधा ये भी एक कंडीशन को अपन हटा दें, कि ये चेक करो 0 से बड़ी है या नहीं, इसको छोड़ो, सीधा अपन तो क्या करो कि मैक्सिमम और मिनिमम में से जो भी डिफरेंस आएगा ना, उसको सीधा सम में ऐड ऑन करवा दो। 0 ऐड ऑन होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और उसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आती है तो वो ऐड ऑन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया, हो गया बस। अब आई इंसिस्ट यू कि अगर अभी तक आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका है ना, तो एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, आंसर यहीं पे ही है। ठीक है, अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, क्वेश्चन अपने समझ चुके हैं, लॉजिक अपन समझ चुके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो 1 मिनट रिवाइंड करके देख लो, और फिर भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, लेकिन एक बार इम्प्लीमेंटेशन खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो एक इंटीजर बनाया एन नाम का, उसमें क्या करा है, स्ट्रिंग के लेंथ को स्टोर करवा दिया, क्यों, क्योंकि वही है ना, फोर लूप में अपने को हेल्प चाहिएगी इटरेट करने के लिए, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इटरेट करने के लिए हेल्प चाहिएगी ना, तो बार बार कौन लिखेगा स्ट्रिंग के साइज, तो अपन ने क्या किया, स्ट्रिंग के लेंथ को एन में स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब ये सम क्या है, सम वही है जो अपना आंसर रिटर्न करवा रहा होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अलावा अपन ने और कुछ भी नहीं लिया, नहीं, सीधा फोर का लूप स्टार्ट कर दिया, अपने को पता ही था क्यों किया। हाँ ठीक है, फोर का लूप स्टार्ट करते ही एक अनऑर्डर्ड मैप बना दिया, मैप क्यों बनाया, वही फ्रीक्वेंसी काउंट कराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक फोर का लूप चलाया, कहाँ से चलाया, आई से, आई पोजिशन से। ठीक है, जैसे अगर अपन ट्रेड करते करते यहाँ तक आ चुके हैं, तो बस ये दो को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अपने को इसके आगे का ही देखना है, तो अपन ने वहीं से आगे से चलाया, ये अपन अच्छे से समझ चुके हैं क्यों किया अपन ने, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या किया कि अब जो भी वैल्यू आई है उसको मैप में प्लस प्लस करा दिया, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी और काउंट हो गई। ठीक है, अब मिनिमम में, अब अपन ने दो एलिमेंट बनाए, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम। ठीक है, मिनिमम में इनिशियली क्या स्टोर करवा दिया, इंट मैक्सिमम, और मैक्सिमम में इनिशियली क्या स्टोर करा दिया, इंट मिनिमम। इसका रीजन सिंपल सा है कि अब मिनिमम में जो भी वैल्यू आएगी वो ऑफकोर्स सी बात है, अगर अपन चेक कर रहे होंगे ये फोर का लूप इटरेट करके अपन क्या चेक कर रहे हैं मैप के अंदर, देखो इधर आओ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चेक कर रहे होंगे कि मैक्सिमम, मिनिमम चेक करते वक्त तो अपन हमेशा क्या बोलेंगे कि मिनिमम को उड़ लो और चेक करो इसमें अभी जो वैल्यू प्रेजेंट है वो मिनिमम है, या फिर आपने जो अभी वैल्यू दिखाई है, जो ये फ्रीक्वेंसी दिखाई है ये मिनिमम है, तो अपन क्या बोलेंगे अगर ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो इसमें डाल दो, तो इसीलिए अपन क्या किया इसको इनिशियली मैक्सिमम स्टोर करवा दिया, जिससे जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो मिनिमम ही दिखेगी अपने को, और इसमें मैक्सिमम में क्या करा अपन ने मिनिमम इसलिए स्टोर करवा दिया कि जो भी वैल्यू है यहाँ पे आएगी वो अपने को क्या लगेगी मैक्सिमम ही लगेगी, तो बड़े आराम से अपन इसमें स्टोर करवा पाएंगे, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या लिया, क्या किया अपने, उस मैप को इटरेट करवाया उसी फोर लूप के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ अपने को एक सबस्ट्रिंग मिल गई थी, हाँ, तो उसी फोर लूप के अंदर अपन ने मैप को इटरेट करवाया, और मैप को क्या बोला कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आई टी का सेकंड, क्योंकि सेकंड में ही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो अगर सेकंड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो मैक्सिमम में वो स्टोर करवा दो, और अगर लेसर देन मिनिमम है तो मिनिमम को भी अपडेट कर दो। ठीक है, और जैसे ही अपना एक बार इटरेशन हुई, ठीक है, ये पूरा हुआ, उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि सम में क्या करो मैक्सिमम माइनस मिनिमम को एड ऑन करवा दो।
और लास्ट में क्या किया अपन ने, सारे के सारे सम में जो भी वैल्यू आई उसको रिटर्न करवा दी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता ना, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। देखो सबमिट करके अपन ने देखा, कंपाइल करके देख लिया था, कंपाइल हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे सबमिट भी हो चुका है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।